माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट फोर। मैंने देखो ये वाला सारे पेजेस आपके करवा दिए, हम छोटे छोटे पार्ट्स में चैप्टर बना रहे हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, आप देख रहे हो इस तरीके से बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हुआ था, एक क्रांति आई थी, ये सारा पार्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये पेजेस हमारे हो गए थे, ठीक है। अब आ जाइए, आज हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ लिया था ये वाला भी, आउटब्रेक भी पढ़ लिया था हमने, कैसे हुआ था। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, इस ये पेज भी आई थिंक हो गया था हमारा, ये यहाँ से हमें शुरू करना है। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो फ्रांस था वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया था, संविधान आ गया था, संविधान लिख दिया गया था। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिएगा कि नेशनल असेंबली ने कब कंप्लीट कर लिया था, ड्राफ्ट करा था अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को, कब उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो नेशनल असेंबली आपको याद होगा नेशनल असेंबली के बारे में, कि जो नेशनल असेंबली, जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिन्हें पीछे खड़ा कर दिया था, वो बाहर आए थे गुस्से से, है ना, जब राजा ने बुलाया था, उसके बाद इन लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली थी। फिर ये बात हुई थी कि हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, तो 1791 तक इनका संविधान कंप्लीट हो गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, ये संविधान क्यों बनाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब राजा की पावर्स जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी उस समय, तो लग रहा था कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं चलेगा कि राजा जो मर्जी जैसे चाहे टैक्स बढ़ाने को बोल रहा है, हम पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, तो उन्होंने नहीं, इसकी राजा की पावर को जो है वो लिमिट करना पड़ेगा। दीज पावर्स, जो भी इनकी शक्तियाँ थी, इंस्टेड ऑफ बींग कॉन्सनट्रेटेड इन वन हैंड ऑफ वन पर्सन, वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफिकल्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ये बात रखी गई कि जो ये शक्तियाँ हैं ना, ये किसी एक आदमी के हाथ में होने की बजाय, कॉन्सनट्रेटेड इन वन हैंड होने की बजाय, क्या करना चाहिए, इन्हें सेपरेट करना चाहिए, असाइन कर देना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को। जैसे अब हमारे देश में होता है ना, लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशियरी भी है, बस वो तभी वैसे ही लाई गई थी। तो क्या कहा इन इंस्टीट्यूशंस को, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीन तरीके से होगा, एक बनाएगा एक कानून को, एक लागू करेगा कानून को, और एक देखेगा कि जो भी लॉ बने हैं, कानून बने हैं, वो सही तरीके से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस वजह, इस तरीके से जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र हो गया। एक्सप्लेन्स हाउ द फिगर 7 हमें एक्सप्लेन करिएगा हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, किस तरीके से नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो काम करता है, ठीक है। तो अब आज लेजिस्लेचर यहाँ पर दे रखा है, नेशनल असेंबली दे रखा है, क्या है, लोग वोट करते थे, अपने निर्वाचक को चुनते थे, ठीक है, और इस तरीके से ये सब कुछ चलता था। अब आज यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब क्या हुआ यहाँ पर, 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था, है ना। यहाँ नेशनल असेंबली ने तो किया था, ये जो कानून बनाए थे इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर, किसको सौंप दिया अधिकार, टू मेक लॉज, कौन सा अधिकार, लॉ बनाने का किसको दिया गया है, टू नेशनल, इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और ये नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। दैट इज सिटीजन, आप अप्रत्यक्ष रूप से क्या है ये हम पढ़ते हैं अभी। दैट इज ये था कि सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, सिटीजन्स जो थे, नागरिक जो थे, वो एक समूह का चुनाव करते थे, निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, कुछ ऐसे लोगों का चुनाव करते थे जो फिर आगे अपने में से देखेंगे कि भाई किसको बनाना है, है ना, मेंबर लेना है। हु इन टर्न चूज द असेंबली, ठीक है, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनेंगे, मतलब ये बहुत सारी भीड़ है, इन्होंने कुछ थोड़े से लोगों को चुना, अब ये देखेंगे अपने में से थोड़े से लोग, है ना, और ये फाइनली असेंबली बनेगा, मतलब ये बनाएंगे कानून, ठीक है। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउ एवर हैड द राइट टू वोट, सारे सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं था, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस equal to at least 3 days of laborers wages were given the status of active citizen. अब क्या हुआ, केवल वो लोग जो 25 साल के ऊपर की एज के हों, आदमी हों, मैन, औरतों को अधिकार नहीं दिया गया यहाँ पर, और टैक्स भी पे करते हों, कितना, कम से कम पूरे साल में 3 दिन की लेबर वो टैक्स की तरह देते हों, जो वेज वेज क्या होता है, जिन्हें पर डे पैसा मिलता है, ठीक है, वो टैक्स की तरह देते हों, दैट इज दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, और इस तरीके से ही वो केवल इंटाइटल हो पाएंगे वोट देने के लिए। द रिमेनिंग मैन, जो बचे हुए आदमी हैं और जो वुमेन हैं, वर
क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन. अब एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन समझ में आया. एक्टिव कौन है? वो आदमी जो 25 साल के ऊपर है, कम से कम 3 दिन का जो है वो लेबर अपना टैक्स के रूप में देते हो, ठीक है. और पैसिव सिटीजन कौन है? बाकी बचे हुए आदमी जो 25 साल से नीचे के हैं, जो टैक्स नहीं पे कर पाते, या तो वो लोग या फिर औरतें, ये सब पैसिव सिटीजन में आ गए. अब आ जाओ आगे, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर. अपने आप को हमें क्वालिफाई करना है अगर कि हम भी इलेक्टर हैं, ठीक है. टू क्वालिफाई एज इलेक्टर एज देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर. निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, है ना. अगर आपको निर्वाचक बनना है तो आपको असेंबली का सदस्य बनना है, अगर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हायर टैक्स पे करना पड़ेगा बाकियों के मुकाबले. आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, देखिए अब हमें क्या बताया जा रहा है. द डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट. एक यहाँ पर ना क्या किया गया, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, जो कि कहाँ बना था, का 1790 में ले बार्बिये द्वारा बनाया गया ये चित्र है. ले बार्बिये ने इस चित्र को बनाया है. दाई ओर की आकृति फ्रांस की और बाई ओर की आकृति बाई ओर की कानून को निरूपित करती है, ठीक है. ये बाई ओर की जो है हमारी कानून को निरूपित करती है. फिर से देख लेते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय आर्टिस्ट लाय ले बार्बिये के द्वारा करा गया था इन 1719 में. इस तरीके से चित्र बनाया गया था उनके द्वारा. द फिगर ऑन द राइट साइड जो है वो फ्रांस को प्रेजेंट करती है. द फिगर ऑन द लेफ्ट जो है वो लेफ्ट साइड की जो है वो सिंबल किसको करती है, वो लॉ को करती है, कानून को करती है, ठीक है. ये देखो ये राइट साइड हमारा फ्रांस हो गया, ये कानून हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है. अब आ जाइए यहाँ पर, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वुमेन, ये वाला घोषणा पत्र बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. जो हमारा संविधान है वो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता है, अधिकार पत्र के साथ, ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेरेशन देता है ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, लोगों को मिला. फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हम जो चाहें वो बोल सकते हैं. फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि भाई हमें क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है. इक्वालिटी, सब लोग बराबर हैं बिफोर लॉ, कानून के सामने. मतलब अमीर कुछ करे तो भी वही सज़ा मिलेगी, गरीब कुछ करे तो भी वही सज़ा मिलेगी. वर इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश किए गए थे एज अ नेचुरल एंड इन एनी एबल राइट के रूप में. अब ये क्या चीज़ होती है पढ़ लेते हैं. देखो भाई इसके अब क्या हुआ, इस संविधान में पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र के साथ ये शुरू हुआ है ना. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन किससे हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ, सच एज राइट टू लाइफ, भाई लोगों को अधिकार था अपनी जिंदगी जीने का. और क्या अधिकार था, अभिव्यक्ति का अधिकार था, है ना. फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब वो अपनी बात रख सकते हैं लोगों के सामने, अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी था. इक्वल थे लोगों के सामने. वर एस्टैब्लिश एज अ नेचुरल, एक नैसार्गिक, ठीक है, नेचुरल एवं अहरणीय, यानी कि इन्हें कोई ले नहीं सकता. इन एनियंस, ये देखो ये वर्ड जो आपको दे रखा है ना, ये जस्ट अ मिनट, इनअलाइनेबल राइट कौन सा होता है, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता. दैट इज दे बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बींग टू बर्थ एंड कुड नॉट टेकन अवे, ठीक है. हर एक को मिला ये अधिकार, ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे. और इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट. काफ़ी कुछ हमारे राइट्स आज मिलता हुआ है, तरीके हमसे मिलते हुए हैं. और उन्होंने बोला कि ये सारे जो हैं ये प्रत्येक नागरिक को नैसार्गिक अधिकारों के रूप में मिलेंगे, बिल्कुल नेचुरल, है ना. वो पैदा हुआ है अगर, तो फिर उसको ये अधिकार वहाँ पे दिए जाएं. अब यहाँ पर आ जाते हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स. तो क्या हुआ है, इसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था, ये लिखा गया था कि आदमी स्वतंत्र है ना. मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, इक्वल राइट होते हैं हर आदमी के, ठीक है. ये लिखा गया. दूसरी बात क्या लिखी गई, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट ऑफ द मैन. अब क्या कहा गया, ये भी कहा गया कि हर एक राजनीतिक संगठन का जो भी, मतलब पॉलिटिकल बॉडी बनेगी, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनेगी, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल बनेगा, इज द प्रिजर्वेशन. क्या इनका एम होगा कि प्रिजर्व करके रखेंगे, बचाएंगे, संरक्षित करेंगे, किसको,
करेंगे नेचुरल और इन अलाइनेबल राइट्स को इंसान के, ठीक है, मतलब इनका देखना होगा कि भाई लोगों से उनके अधिकार ना चीजें ना आए, दीज आर लाइबिलिटी है ना, सॉरी लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन मतलब किसका अधिकार होगा ना, शोषण के, अगर उनका कोई शोषण कर रहा है तो उसके प्रतिरोध का अधिकार भी उन लोगों के पास होगा, है ना, कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलने का। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स कहाँ करती है, ये नेशन में। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। अभी इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिले, मतलब कोई भी व्यक्ति के पास ऐसा अधिकार नहीं होगा कि वो जनता की पीपल के खिलाफ कुछ भी काम करेगा, मतलब लोग अगर बोल रहे हैं ठीक है तो वो ही काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लोगों के खिलाफ काम नहीं कर सकता था, मतलब जिसे राजा था वो तो कुछ भी कर सकता था लेकिन इस ग्रुप के साथ ऐसा नहीं था। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज जस्ट नॉट इंजूरियस टू अदर्स। भाई लिबर्टी कहाँ तक रहेगी, स्वतंत्रता, ये नहीं कि आप किसी को भी खड़े होकर कुछ भी बोल दोगे, आप किसी को भी मार दोगे, स्वतंत्रता डज मीन्स दैट। सो लिबर्टी कहाँ तक रहेगी, कंसिस्ट ऑफ द पावर टू वट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स, जिससे इतनी आप स्वतंत्र हैं कि आप दूसरों को हार्म नहीं पहुँचा रहे, मतलब आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो स्वतंत्रता से। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू द सोसाइटी। अब क्या है, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। मान लो कि कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, समाज के खिलाफ कर रहा है, तो लॉ हैज़ द राइट, कानून के पास ये अधिकार है कि फॉरबिड करे, उसको रोके, ओनली द एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू द सोसाइटी, हर उस एक्शन को जो भी सोसाइटी के लिए इंजूरियस है ना, खतरनाक है। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ क्या होना चाहिए, जनरल विल, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है कानून, है ना, कि लोगों का भाई कानून क्या होता है कि जो लोग चाहते हैं, सामान्य एक्सप्रेशन, कोई चोरी करता है तो लोग क्या चाहते हैं, उसको जेल में डालो, तो लॉ उसी तरीके से बन जाता है, एक जनरल विल होती है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, और कानून बनाने में हर एक सिटीजन का राइट होना चाहिए, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब हर आदमी तो आके नहीं बना सकता, तो बोल रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी हो सकता है ये। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, जितने भी सिटीजन्स हैं वो लॉ के सामने जो है वो इक्वल है। नो मैन मे बी accused, arrested or determined except in cases determined by the law। कोई भी व्यक्ति को जो कि दोषी हो, मे बी accused हो, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आप देखो वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी आदमी को कानून प्रक्रिया के बाहर जो है वो किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता, ना ही नज़रबंद किया जा सकता। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेंड है ना, नज़रबंदी नहीं रखी जा सकती उस पर, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ जब तक कि जब डिटरमाइंड बाय द लॉ, है ना, उसने कानून के खिलाफ कुछ ना किया हो तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। एवरी सिटीजन मे स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली, हर सिटीजन फ्रीली बोल सकता है, कुछ लिख सकता है, अपना प्रिंट कर सकता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, ठीक है, अगर उसे कुछ गलत लग रहा है, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। लेकिन हाँ भाई, ऐसा आप कर रहे हो लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी स्वीकृत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कुछ गलत लिख दिया, आपने किसी के खिलाफ झूठी बात लिख दी, तो अगर वो आपके खिलाफ कानूनी केस करता है तो आप जिम्मेदार खुद ही होंगे, आपने अगर गलत लिखा है तो गलत नहीं लिखना था, मतलब बहुत ध्यान रखना था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। अब इसमें क्या है, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्च चलाने के लिए, ठीक है भाई, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक कॉमन टैक्स जो था वो डाला गया था, अपरिहार्य था, इंडिस्पेंसिबल था, मतलब लोगों को देना ही था। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल द सिटीजन, हर एक आदमी पर बराबर लगाया गया था, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीन्स, कि वो क्या प्रोपोर्शन रखा गया था, क्या रेशियो रखा गया था उनकी आय के अनुसार, है ना, उन पर टैक्स लगाया गया था। सिंस प्रॉपर्टी इज अ सेक्रेट एंड इनवॉयलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइड ऑफ इट। अब क्या होता है, चूँकि संपत्ति का जो अधिकार था वो एक पावन और एक अनुल्लंघनीय अधिकार था, मतलब क्या हुआ, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था, किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब प्रॉपर्टी लोग खरीद सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई प्रॉपर्टी राजा की है उस समय, लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, अनलेस अ लीगली इस्टेब्लिश पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, मतलब तब नहीं खरीद सकते थे। वो रहा था, किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जा सकता जब तक कि वो विधि के द्वारा स्थापित
प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण ना करें। जैसे आज होता है ना कि अगर मान लो सड़क के किनारे कुछ घर आ रहे होते हैं तो सरकार गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, लोगों को पैसे दे देती है और कहती है कि भाई आपको ये घर छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये तो सबकी कहना चाहिए ना, सबकी भलाई के लिए हम यहाँ से इसको काट के यहाँ से रोड निकालनी है अपने को, तो फिर लोगों को वो घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का अधिकार दिया गया था, मतलब ऐसे में फिर आपको प्रॉपर्टी का अधिकार आपसे ले लिया जाता है। इन दैट केस जस्ट अ कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, कंपनसेशन दिया जाता है, ऐसे नहीं कि फ्री में आपने ले लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या बता रखा है हमें। अब ये सब जो छोटा छोटा ये होता है ना सोर्स बी वगैरह, ये सब प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज हिस्ट्री है ये, कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के पूछ लेंगे मैम। द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, कौन थे जर्नलिस्ट हमारे, इनका नाम था जया पॉल मरा। इसमें क्या किया था उन्होंने, द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जया पॉल मरेट कमिटेड इन हिज न्यूज़पेपर, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कमिट क्या किया था, द फ्रेंड ऑफ द नहीं ला आमी ड्यू पीपल, द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। क्रांतिकारी पत्रकार था ये, कौन था ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कौन थे, जया पॉल मरा जो थे, मरेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में मरा लिखा है। ये कौन थे, अखबार में इन्होंने लामी द पल्प जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए एक संविधान पर टिप्पणी क्या दी थी उन्होंने, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल हैड बीन गिवन टू द रिच, जो जनता का प्रतिनिधित्व का कार्यभार है वो अमीरों को सौंप दिया गया है, मतलब अब इनको ये भी लग रहा था कि अमीरों के हाथ में आ गई पावर। द लॉट ऑफ द पुअर एंड oppressed will never be improved by the peaceful means alone. गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती, मतलब इन्हें समझ में आ रहा था कि भाई अभी अमीरों के हाथ में फिर से सत्ता चली गई है, गरीबों की हालत तो इस तरीके से जो जिनका या फिर शोषण हो रहा है उनकी हालत तो नहीं सुधर सकती इस तरीके से। Here we have absolute proof of how wealth influences the law. यहाँ हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि wealth जो है वो किस तरीके से कानून को प्रभावित करती है। आज भी हम जानते हैं नेचुरली ऐसा हो जाता है, अमीर लोग बच जल्दी जाते हैं, गरीब लोग बेचारे फंस जाते हैं, कानून के लपेटे में ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, है ना। अमीर लोग, मतलब ये गलत है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा होता है। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे दैम, ठीक है, तो फिर भी कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। एंड वेन दे हैव मैनेज द कॉज ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स ऑफ वेल्थ, फिर भी ये कानून तब तक ही चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे, जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, मतलब एक तरीके से पहले कुलीनों का अधिकार ज़्यादा था ना, तो एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे, मतलब पब्लिक के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो राजा राजा का शासन उन्होंने पब्लिक ने खत्म किया ना, इस तरीके से एक ना एक दिन अमीरों का भी शासन ये जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके से अपना व्यू दे रहे थे, बस इनका ये याद रखना कि ये कौन थे। ठीक है, बस ये एक पत्रकार थे, उनका अखबार कौन सा था, लामी द पल्प इनका अखबार था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक प्रतीकों के मायने, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। ठीक है, अब ये भी पढ़ लेते हैं। द मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट, तो ज़्यादातर जो लोग थे है ना, मेजोरिटी थी उस समय 18th सेंचुरी में लोगों के, आदमियों की और औरतों की, वो रीड एंड राइट नहीं कर पाते थे। सो इमेजिन द सिंबल्स वर फ्लुएंटली यूज इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट। अब क्या हुआ, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते तो आप सिंबल की भाषा जल्दी समझते, तो यही हुआ था, ये इंपॉर्टेंट आइडिया था। द पेंटिंग बाय ले बर्बर यूज करते थे वो मैनी सच सिंबल्स को कन्वे टू कनेक्ट द डेक्लेरेशन ऑफ राइट। तो क्या हुआ इसमें, ये जो आपको चित्र पूरा दिखा रखा है इसके अंदर देखते हैं, 18वीं शताब्दी में ज़्यादातर देखो हमें पता है कि भाई स्त्री पुरुष होते हैं पढ़े लिखे नहीं थे, महत्व इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों को प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों की बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों को देखते थे, सिंबल्स वगैरह को देख लेते थे, लोग समझ जाते थे। ले बार्बी ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रतीकों का चिन्ह मतलब प्रयोग किया। अब किसने किया था, ले बार्बी ने किया था इस तरीके के प्रतीकों का प्रयोग, ये याद रखना बस। ठीक है, कन्वे क्या करना चाहते थे, वो क्या कन्वे करना चाहते थे ध्यान रखना, तो कॉन्टेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट। ठीक है, अधिकारों के लिए बात करना चाहते थे, उन अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे अनेक प्रतीकों के माध्यम से। ठीक है, लेट अस ट्राई टू रीड दी सिंबल्स, तो चलो इन्हें पढ़ते हैं। ब्रोकन चेन, टूटी चेन का मतलब क्या होता है, चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। अब जो चेनें होती हैं दासों को बांधने के लिए है ना, चेनों का प्रयोग होता है। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, जो टूटी हुई हथकड़ी है उनकी आज़ादी का प्रतीक होती है। द बंडल ऑफ रॉड्स फेसेस, ठीक है, तो बिकमिंग फ्री, ठीक है, तो ये टूटी हुई हथकड़ी की स्थिति आज़ादी का प्रतीक थी। अब ये वीडियो हो रही है लंबी, तो हम क्या करेंगे यहाँ तक अभी इस वीडियो में करते हैं, एंड देन नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय।